वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ना पूरे दिन छोई रहने के काम है भाई, क्योंकि बाहर देखो बहुत ज़्यादा भयंकर से भी भयंकर वाला बारिश हो रहा है। कल रात के 12 बजे से ना 12-1 बजे से उससे पहले से ही कंटिन्यू बारिश है। आज भी मेरा कुछ सूज रह गया, शरीर नहीं भात से थोड़ा सा सूजन आ रहा है रोज चावल खाने से भाई। गुड मॉर्निंग होगी है आप फिर से सो जाते हैं भाई, क्या करें। तो दोस्तों आज ना कई दिनों के बाद धूप के दर्शन हो चुके हैं, 10 दिन के बाद। ये देखो बढ़िया वाली धूप खिली हुई है बाहर को, और मौसम भी थोड़ा थोड़ा करके खुला हुआ है। हालांकि यहाँ पर ना अभी धूप पहुँचनी है, क्योंकि ये बोल्डर बहुत बड़ा है तो इस वजह से। बाकी पार में रेनबो बना हुआ है भाई, मस्त वाला। उस साइड को धूप इधर से आ रही है तो वो पार में पूरी धूप खिली हुई है बढ़िया करके। क्या मस्त नज़ारा है भाई, आगे तक पूरा धूप खिला हुआ है ऊपर टॉप तक पार में भी। तो देखते हैं आज किस तरह का मौसम रहता है भाई। पहले चाय वगैरह बना लेते हैं, चाय पी के फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। तो दोस्तों थोड़ा सा ना आप जंगल की सैर करके आते हैं, क्या माहौल हो रहा है बाहर, क्योंकि टेंट के अंदर से तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो बाहर क्या बारिश हो रही है या क्या हो रहा है वो देख के आते हैं। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है भाई, मौसम ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि अभी ना सुबह सुबह बिया वाली धूप खिली थी भाई। तो आगे को भी दिखाता हूँ, ये भाई पूरा मौसम खुला हुआ है मस्त तरीके से, पूरी एरिया फिलहाल के लिए ना थोड़ा बहुत तो खुला हुआ है भाई, ज़्यादा तो नहीं। अभी भी बादल आ रहे हैं देखो नीचे से, जैसे ही ये बादल ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे ना हमारी तरफ तो बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। और इस बार ना भाई हमने एक और नया रास्ता खोजने का प्रोग्राम बना रखा है, तो इधर से ना काफनी ग्लेशियर जाने का रास्ता खोजना है, तो वो पहुंचेगा आपका काफनी ग्लेशियर की एरिया में। तो पहले ट्राई करेंगे कि क्या यहाँ से जा सकते हैं या नहीं करके। तो अभी तो नहीं, कुछ ये लगा लो 1 हफ्ता भर में हम यहाँ से सर्च करेंगे, फिर सर्च करने के बाद पहले तो रास्ता ढूंढेंगे भाई कि वहाँ से हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, फिर जब जाने का होगा ना तब जाएंगे वहाँ से बढ़िया करके। फिर कभी आपको भी आना होगा तो आपको भी ले आएंगे इन बुग्यालों से, क्या मस्त बुग्याल है देखो भाई, इन बुग्यालों में आपको भी सैर कराएंगे भाई। इन जगहों पे ना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है भाई, एकदम मैदान वाली जगह है ये, क्योंकि चट्टान वाले एरिया बहुत कम है। तो यदि आप कभी आना भी चाहते हैं ना तो आ सकते हैं, पर मौसम यही है भाई कि यहाँ पे मानसून वाले सीजन में ही आप आ सकते हैं, बाकी समय में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्नो रहती है, तो बर्फ़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये वाले एरिया घूमने फिरने के लिए। तो फिलहाल थोड़ा सा घूम फिर के ना मज़ा कर लेते हैं भाई, यहाँ पर किस तरह का माहौल है देखो भाई। इधर से सीधे जाएंगे तो फिर काफनी ग्लेशियर की तरफ पहुँच जाएंगे बढ़िया करके। और आज बहुत दिनों के बाद धूप दिखी है तो मज़ा आ रहा है यार, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं यहाँ पर भी मज़े से। बाकी नीचे को तो बहुत ज़्यादा घास भरी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है चलने में। बाकी आगे देखो भाई वाटरफॉल ऐसे बने हैं, कई सारे झरने जो कि आपको ना खुश कर देंगे भाई। दोस्तों ये वाला स्नो ब्रिज बचा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा एडवेंचर करते हुए निकलते हैं भाई। ये देखो पूरा दरार पड़ा हुआ है इसमें, और बीच बीच में ना इसमें छेद होने वाला भी हो रखा होगा, अब देखते हैं। निकलना तो है ही भाई इसी में कहीं, पर ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है ना। मेन तो ये है कि अगर इसमें
घुस भी गए तो बहुत नीचे तक नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे। बड़ा वाला स्नो नहीं है, ठीक ठाक ही वाला है। और देख सकते हैं भाई पूरा का पूरा स्नो अभी भी बचा हुआ है, जुलाई लास्ट में भी भयंकर वाला। और धीरे धीरे ना बादल भी आने शुरू हो चुके हैं भाई, पूरा कोहरा। फिर कुछ देर के बाद ना ये बारिश शुरू कर देगा ये, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हम जाके थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं और फिर निकलने की कोशिश करते हैं भाई आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों हाई माउंटेन एडवेंचर करने के बाद ना एक बार फिर से अपने कैंप में पहुंच चुके हैं। तो कैंप में ना अब हमारा भाई भूख लग चुकी है, तो खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद ये पैकिंग वगैरह भी करनी है। पैकिंग वगैरह सारी वैसी ही पड़ी है और हमें जाना है यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, दूसरी जगह पे जाएंगे। और बादल देखो भाई, बादल फिर से बुग्यालों को घेरने लग गए हैं। तो चलो इतना है कि भाई हमें कहाँ पे जाना है, क्या करना है उतना पता है, और रहने का भी ठीक ठाक हो जाएगा। कम से कम आज टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए अभी पहुँच ही रहे हैं कैंप में। तो आगे थोड़ी सी तैयारी करने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मैगी वगैरह बनाने के बाद फिर निकलते हैं अगली जगह के लिए। और अगली जगह पे भी ना आज बहुत ही भयंकर वाला एडवेंचर होने वाला है बीच में, क्योंकि जो घास भरी होगी ना भाई, बहुत ज़्यादा घास भरी होगी आगे को, तो वो वाला एडवेंचर है। पर थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा भाई, बढ़िया वाला जो ट्रेल बनी हुई है ना, वो ठीक ठाक वाली ट्रेल मिल जाएगी भाई। क्या देखो, सुबह सुबह तक तो बहुत ही मस्त मौसम था, जैसे 7-8 बजे हम उठे तो अभी अभी देखो पूरा फिर से भर दिया है भाई इसने। तो यहाँ पर ना 2-2.5-3 घंटे पे अगर मौसम खुल गया तो बहुत बड़ी जीत होती है भाई, बहुत बड़ी सफलता मान सकते हैं आपके इतने देर तक मौसम खुला रहा। दोस्तों अब ना हम मैगी वगैरह बनाते हैं, चावल बना है, मैगी का हाग लगाते हैं हम, मैगी का दाल बनेगा, मतलब कहने का मतलब हमारा। और ऑलरेडी हमारे पास चावल बने हुए हैं, तो उसमें हम मैगी डाल के बढ़िया करके फिर खाते हैं। अभी पैकिंग भाई बहुत बची हुई है, थोड़ी देर में करते हैं पैकिंग एक ही साथ, क्योंकि यहाँ से टेंट हटा देंगे ना, तो फिर उसके बाद पैकिंग के लिए हमारे पास जगह बच जाएगी। पर यह है कि थोड़ा सा यार मौसम साथ दे ना, यहाँ से गदेरे पार होने तक भी अगर मौसम साथ दे दे तो फिर उसके बाद आराम से पहुँच जाएंगे 2-2.5-3 बजे तक। इतनी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आराम आराम से निकलेंगे, क्योंकि भाई बुग्याल का रास्ता है, घास पूरी भरी हुई है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, लिमिटेड और क्या बोलते हैं उसको, नपातुला जोखिम लेना है हमने, तो उसी हिसाब से निकलेंगे। पर भाई मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा बुग्यालों के दर्शन करने में, और हमें भी मज़ा ही आ रहा है भाई आप लोगों को यहाँ से हिमालय के दर्शन करवाने में। और फिर तो आगे और भी बहुत ही मस्त वाला एडवेंचर होने वाला है अभी, क्योंकि पूरा सीजन ना हम इसी तरह से रहने वाले हैं भाई, पूरा जो बरसात का जो सीज़न है तो पूरी तरह से हम इसी तरह से हाई माउंटेन में ही भ्रमण करते हुए मिलेंगे। दोस्तों जैसे ही हमने तैयारी करी ना यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए, तो भयंकर वाला बारिश लग चुका है भाई बाहर को। तो ऐसे में ना सूखी जगह से उठ के गीली जगह पे जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में ना पूरे भीग जाएंगे, तो इसलिए कुछ समय टेंट के अंदर ही मज़े से आराम करते हैं भाई, नहीं तो फिर बाहर अगर निकल गए ना तो बुरे हाल हो जाएंगे हमारे भीग के। ये देखो ऐसे ही भीग रखा है, फिर और ज़्यादा भीग जाएंगे, तो कंटिन्यू अगर भीगे रहेंगे तो फिर बुखार आने के भी चांसेस हैं ना, बीमार हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से हम वापस कैसे आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, 2-4 घंटे भी अगर लेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलेंगे, पर सुरक्षित निकलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब से बारिश शुरू हुई ना तब से रुकी ही नहीं है हम अंदर के अंदर। ये देखो भाई इसका तो बैटरी भी ट्वां 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 करने लग गया है,
तो अंदर टेंट के अंदर से ना बाहर भी नहीं जा पाए हैं भाई, इतनी भयंकर वाली बारिश हो गई है। और हमको जाना था कहीं और दूसरी जगह पर ना ऐसा मौसम में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भीगने का, यदि भीग गए ना फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हालांकि हल्का हल्का सा मौसम खुलने के चांसेस बन रहे हैं भाई बीच बीच में से, और देखते हैं खुलता है या क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं हल्का हल्का सा बीच में से ना बादल पतला जैसा हो रहा है। तो यदि थोड़ा सा बादल पतला होता तो हम कहीं और चले जाते, पर देखते हैं भाई मौसम खुलने का नाम ही नहीं है। फिर इधर से खुल रहा है तो फिर इसी के नीचे से एक और बड़ा वाला प्लाटून लेके आ जा रहा है अपनी, और इस साइड को थोड़ा सा खुला हुआ है, हरियाली जैसी दिख रही है हल्के हल्के। और टेंट के अंदर अंदर ही ना बोर हो गए भाई काफ़ी देर से, यानी कि 11:30 बजे से 3:30 हो गया है, पूरे टेंट के अंदर ही हैं भाई पूरे के पूरे। बाहर को लग रहा है कि भयंकर वाली बारिश, धड़ वाली, तो निशाश लग रहा है भाई इसके अंदर निशाश। तो देखते हैं कितने देर और रहना पड़ता है, नहीं तो फिर सो जाते हैं दोबारा कल सुबह ही। दोस्तों अब ना चाय कॉफ़ी का टाइम हो चुका है, तो हम बनाते हैं कॉफ़ी, चिकन सूप, ये कॉफ़ी नहीं सूप भाई, सूप बन रहा हमारा। अब देखो भाई हमारे कैन कितने पड़े हैं, बहुत सारे गैस के कैन पड़े हैं, पर भाई काम वही होगा हमारा जब थोड़ा सा यहाँ से दूसरी जगह के लिए हम प्रस्थान करेंगे ना, तब जाके बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो है भी हमारे पास साधन है, लकड़ी वगैरह भी हैं। चलो चाय कॉफ़ी मैगी तो हमारे गैस में बन सकती है, बाकी का काम जैसे चावल दाल वगैरह हमारा आग में बन सकता है। तो ये हमारी जो गैस है ये इमरजेंसी के लिए है, क्योंकि अभी इसके बाद ना हमको भाई नेटा पास भी जाना है, नेटा पास यानी कि नामिक ग्लेशियर वाले एरिया में भी, तो उस जगह पे लकड़ियाँ बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए मौसम खुला हुआ था भाई, फिर देखो नीचे से बादल ना अपनी पूरी फौज को लेके आ रहा है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो इसका आक्रमण ये होगा कि और तेज़ बारिश होगी। फ़िलहाल इस वाली एरिया इधर की एरिया भी खुल चुकी थी, पर ना आज जो बारिश हो रही है तो खुल खुल के हो रही है, यानी कि आसमान खुल रहा है बढ़िया करके खुल रहा है, फिर उसके बाद बारिश हो रही है। तो इस तरह का हो सकता है पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट हो आज, पर यहाँ पर तो भाई कोई न्यूज़ नहीं है, हमारे लिए खुद ही हम अलर्ट पे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से आगे गए नहीं तो फिर यहाँ से हम जाने वाले थे आज दूसरी जगह पर। तो कल सुबह जैसे ही मौसम सही होगा तो फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे दूसरी जगह के लिए, और फिलहाल पीते हैं कॉफ़ी ओ सूप, फिर गर्म हो जाते हैं खूब, फिर देखते हैं क्या होगा उसके बाद ही होगा जो भी होगा, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते भाई क्या होगा करके, फिलहाल देख लो क्या नज़ारा है मौसम के। नहीं भाई हमारी सूप चिकन सूप आता है भाई यहाँ पर, उनकी बॉडी में ना थोड़ी सी गर्मी ज़रूरी है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर काली मिर्च डालती हैं, और फिर उसके बाद इसको बढ़िया करके हीट देते हैं गर्मी शरीर को, नहीं तो भाई ठंडा होएगा, क्योंकि नंग तड़ियाई हूँ मैं, कच्चे में घूम रहा हूँ भाई बुधियाल, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं दोस्तों, इसलिए कच्चे में घूम रहा हूँ, नेकर में, कच्चा नहीं नेकर है भाई। थोड़ा सा नमक, तो दोस्तों हाई माउंटेन टॉप में से ना मैं आपको टॉप माउंटेन व्यू दिखाता हूँ, एकदम हाई माउंटेन टॉप में पहुँचा हूँ, यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर बुग्याल है भाई, एकदम छोटी छोटी घास और बहुत ही खूबसूरत सा मैदान वाली जगह है, क्या मस्त नज़ारा है। हम ना नया रास्ता इधर से खोलने वाले हैं भाई, नई जगह से इधर से भाई, ये था बहुत ही खूबसूरत सा जो मैदान बोल रहा था मैं, ये देखो क्या मस्त नज़ारा है भाई, ये है एकदम पास टाइप का, एक कॉल टाइप का,
तो इसके बीच में ना एक क्रैक जैसा पड़ा है, तो उसी क्रैक के बीच में ना एक पानी का हल्का सा कुंड टाइप का है, तालाब टाइप का। ये देखो नीचे, ये नीचे दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। ये देखो ये वाला क्रैक टाइप का है, तो इसी के बीच में से ना पानी निकल के यहाँ पे तालाब बना हुआ है, लेक, और इसमें अभी भी बर्फ़ है इस वाली एरिया में। तो माउंटेन के टॉप में ना जो हमको दिखते हैं एकदम नुकीले टाइप के, शार्प नुकीले टाइप के जो ट्रेल धार जिसको बोलते हैं टॉप, तो इनके बीच में ना भाई इतने बड़े मैदान होते हैं, तो जहाँ पहुँचने के बाद ना बहुत ही मज़ा आ जाता है भाई। आगे को देखो उस वाले एरिया में अभी बर्फ़ है, तो इधर से सीधे अगर इस टॉप को हम क्रॉस करें ना, इन टॉपों को, तो भाई आप सीधे पहुंच जाओगे काफनी वाली एरिया में, काफनी ग्लेशियर में। तो कोशिश करेंगे हम कि यहाँ से भी जाने की, पर फिलहाल जो मैदान है ना भाई, मज़ा आ गया इस मैदान को देख के, बहुत ही खूबसूरत। और मैं ना बहुत ऊपर तक आ चुका हूँ इस मैदान को खोजते खोजते और ढूंढते ढूंढते, मैंने कहा चलो थोड़ा सा एडवेंचर करते हुए निकलते हैं। तो भाई बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर पहुँच के, क्या मस्त। देखो कितनी नीचे से आया हूँ मैं, बहुत डाउन से, वो जहाँ पे नीचे बादल लगा है ना, कोहरा जहाँ पे है, तो मैं उस एरिया से ऊपर को आया, और फिर मेरे को अभी जाना वहीं को है। अच्छा दोस्तों, इन्हें बुग्यालों को देख के ना यहाँ पे भाई मज़ा आ जाता है, इसीलिए मैं हर बार यहाँ घूमने के लिए आ जाया करता हूँ, क्या मस्त नज़ारा होता है। अकेले में सिर्फ यही कि अपना सर्वाइव का टेंशन रहता है कि शाम को क्या खाना है और सुबह कहाँ जाना है, पर बाकी ना भाई, ये पूरा जो सामने में ये दिख रहा ना, ये वाला है भाई चिपड़ा टॉप, चिपड़ा टॉप, जो कि इस एरिया में ना आप पिंडारी ग्लेशियर छंगुच के नीचे वाले एरिया में आता है, ये उसी बेल्ट में, उसी ट्रेल में। और भाई बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेल है ये भी, एक हल्का सा पीक है, अनून है, मतलब अनून तो है नहीं है, पर वर्जिन पीक है अभी भी, इस पर किसी ने क्लाइम नहीं किया है। पर कल आने वाले 2-3 दिन में ना मैं यहीं से पार करने वाला हूँ, इसी के कॉल से पार होने वाला हूँ, तो उसका कोई अच्छा सा नाम रखेंगे, तो पहले तो उसको क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद उसका भी नामकरण करेंगे। पर फिलहाल भाई चेक दिस व्यू भाई, क्या मस्त नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। और बुग्यालों के नज़ारे देखो भाई, तो इतने हाई माउंटेन पे मैं रहता हूँ भाई काफ़ी लंबे समय तक, 1-2 दिन का नहीं, बहुत लंबे समय तक रहता हूँ।